श्रीनगर और उसके आसपास के जिलों में सुबह से ही बम्पर बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में एयरपोर्ट पर भी भारी बर्फ गिरी है। तो श्रीनगर एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख सकते हैं, भारी बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीर श्रीनगर एयरपोर्ट की है, जबरदस्त बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में शहर में बर्फ ही बर्फ है, एयरपोर्ट में भी भारी बर्फ गिरी है। सुबह से ही श्रीनगर और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है और श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीर आप देख सकते हैं। कश्मीर घाटी में कल से जारी बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। कल दोपहर शुरू हुई बर्फबारी अब भी जारी है और श्रीनगर की बात करें तो यहाँ तकरीबन 12 इंच ताजा बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जबकि बाकी इलाकों में 2 से लेकर 6 फीट तक ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा बर्फ उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में गिरी है, जहां पे 8 इंच से ज़्यादा बर्फ आज रात में रिकॉर्ड हुई है। भारी बर्फबारी के चलते घाटी का संपर्क बाकी देश से पूरी तरीके से टूट गया है। जो सड़क संपर्क हैं, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग हो, मुगल रोड हो, दोनों ही रास्ते बंद हो गए हैं। हवाई सेवाएं भी बाधित हो गई है। भारी बर्फबारी के चलते बिजली की लाइंस को काफ़ी जगह नुकसान पहुंचा है, जिससे बहुत बड़ा इलाका है बिजली की आपूर्ति से भी वंचित है। जबकि सड़कों से बर्फ हटाने का काम प्रशासन की तरफ से जारी है, जो कि मुख्य सड़कों को पहले चरण में साफ किया गया है, लेकिन जो अंदरूनी सड़कें हैं, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, उन पर अब भी भारी बर्फबारी मौजूद हैं, जिसके चलते यातायात पूरी तरीके से बाधित है। सभी सरकारी दफ्तर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंक इस समय बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बर्फ के गिरने के चलते ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है, जिसके चलते ना तो कर्मचारी ना ही आम लोग बाहर निकल सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार कम से कम अगले 24 घंटे तक फिलहाल मौसम में कोई सुधार नहीं होगा और इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, यानी आज पूरा दिन और कल दिन के कुछ समय तक बर्फबारी होती रहेगी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को दिक्कतों का कितना सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बड़ी संख्या में जो पर्यटक मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी के सुनने के बाद कश्मीर आए थे, वो खूब मज़ा ले रहे हैं। ख़ासतौर पर गुलमर्ग में, जहां पे 3 फीट ताज़ा बर्फ गिरी है, वहां पे खूब मज़े कर रहे हैं। लेकिन गुलमर्ग तक जाने वाली सड़क बिल्कुल बंद हो गई है और उसको खोलने का काम भी जारी है। लेकिन कुल मिला के देखें, जहाँ एक तरफ लोग बर्फ के आने का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ी समस्याओं के चलते ये सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासन के सामने 15 दिन पहले मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी जारी कर दी गई थी कि भारी बर्फबारी 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक कश्मीर घाटी में होगी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की जो सुस्त रफ्तारी है वो देखने को सामने आ रही है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं बढ़ रही है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज श्रीनगर। ये है ABP News, आपको रखे आगे।